हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डीके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का देख सकते हैं फ्रेंड ज्योग्राफी का बिल्कुल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि देख सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए फ्रेंड, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि देख सकते हैं पल पल की अपडेट यहाँ से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे महामैराथन लेकर आए हैं फ्रेंड, जो कि देख सकते हैं बिल्कुल आपको इसी में से 35 को प्रश्न आने वाला है। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे ज्योग्राफी का बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो तैयार किया गया है फ्रेंड। इस क्वेश्चन से यहाँ पे हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी पर यहाँ पे सभी विषय का आपको मिल जाएगा फ्रेंड। आर्ट्स के लिए देख सकते हैं इकोनॉमिक्स हो या फिर देख सकते हैं फ्रेंड पॉलिटिकल साइंस हो या फिर ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, सभी का क्लास मिल जाएगा बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन से हमारे चैनल पर। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कराया जाता है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड, क्योंकि देख सकते हैं महामैराथन का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे फ्रेंड, इसी में से आपका बिल्कुल 35 क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विकास का जो केंद्र बिंदु है, तो विकास का केंद्र बिंदु है संसाधनों तक पहुंच, और यहाँ पे हो जाएगा स्वास्थ्य, और यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? इनमें से सभी है जो कि विकास का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा एशिया। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा फ्रेंड? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो लैटविया। देख सकते हैं लैटविया के सर्वाधिक है लिंग अनुपात, लैटविया हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैटविया। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? मानव विकास का जो सूचकांक है, सूचकांक को किसने विकसित किया था? तो यह किया था डॉक्टर महबूब उल हक। कौन है फ्रेंड? डॉक्टर महबूब उल हक हैं जो कि मानव विकास का सूचकांक को विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित हो जाएगा फ्रेंड कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित हो जाएगा कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है, तो देख सकते हैं फ्रेंड गेहूं हो जाएगा। गेहूं है फ्रेंड जो कि रोपण फसल नहीं है। गेहूं है जो कि रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं सातवां नंबर प्रश्न है कि पशु चारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पशु चारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो यह हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। किससे? प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। देख सकते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, आर्थिक जो क्रियाकलाप से संबंधित हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप से, पशु चारण संबंधित है। क्या संबंधित है? पशु चारण प्राथमिक क्रियाकलाप से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड यहां पे कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो देख सकते हैं मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा फ्रेंड, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? 1995 में हुआ था WTO, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना।
देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय स्थित है फ्रेंड वह जिनेवा में स्थित है। कहाँ? विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देख सकते हैं अवदान उदाहरण है, तो अवदान उदाहरण हो जाएगा सवारी का पतन के लिए। किसके लिए? अवदान उदाहरण है सवारी के पतन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवदान उदाहरण हो जाएगा सवारी के पतन के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संस्कृति नगर है, तो संस्कृति नगर है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, मक्का हो जाएगा फ्रेंड, और जैलूसलम वाराणसी इनमें से सभी हो जाएगा जो कि सांस्कृतिक नगर है, इनमें से सभी हो जाएगा जो कि सांस्कृतिक नगर है। ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो यह रेखीय बस्ती मिलती है। सड़क के सहारे देख सकते हैं किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो यह रेखीय बस्ती मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेखीय बस्ती मिलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मेगा पोलोलिस का अर्थ है, जो मेगा पोलोलिस का अर्थ क्या होता है, तो विशाल नगर। मेगा पोलोलिस का अर्थ हो जाता है फ्रेंड विशाल नगर, क्या हो जाता है? विशाल नगर हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, खनन नगर नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड, निम्न में से कौन है जो कि खनन नगर नहीं है, तो यह हो जाएगा पटना। देख सकते हैं पटना है फ्रेंड जो कि खनन नगर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना है जो कि खनन नगर नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न है कि सिंगरैनी, देख सकते हैं सिंगरैनी है, तो सिंगरैनी क्या है फ्रेंड, तो सिंगरैनी एक खनन नगर है। सिंगरैनी क्या है, तो सिंगरैनी एक खनन नगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगरैनी एक खनन नगर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रबी फसल बोई जा कब होती है, रबी फसल की बुआई कब होती है, तो देख सकते हैं फ्रेंड रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है रबी फसल की बुआई होती है, अक्टूबर से नवंबर में, यानी 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गेहूं फसल उदाहरण है, तो गेहूं कौन सा फसल का उदाहरण है, तो गेहूं हो जाएगा रबी फसल। गेहूं कौन सा फसल हो जाएगा फ्रेंड, तो गेहूं हो जाएगा रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा ए। देख सकते हैं गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो चावल उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है वह पश्चिम बंगाल है। क्या होगा फ्रेंड? चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो कपास उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन, देख सकते हैं T9 पाई जाती है, निम्न में से किसमें T9 पाई जाती है, T9 देख सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है, टैनिन यानी देख सकते हैं टैनिन पाई जाती है चाय में। याद रखिएगा कि टैनिन किसमें पाई जाती है, तो टैनिन पाई जाती है चाय में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टैनिन चाय में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, तो भारत में जनगणना का महान जो विभाजक वर्ष है वह 1921 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? 1921 में भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि परिसंचरण का धमनियां संबंधित है,
तो बड़ी संचरण के जो धमनियां संबंधित हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग, इनमें से सभी मार्ग के लिए संबंधित है। किस मार्ग के लिए? इनमें से सभी मार्ग के लिए संबंधित है। 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जो संस्थापक है फ्रेंड, उसे रेटजेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेटजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल के संस्थापक रेटजेल को कहा जाता है। देख सकते हैं 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मतरात्मक क्रांति संबंधित है। तो मतरात्मक जो क्रांति है वह संबंधित है तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल ए और बी दोनों से। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल ए और बी दोनों से मतरात्मक क्रांति संबंधित है। 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि में भारत का स्थान कौन सा है। देख सकते हैं फ्रेंड, भारत का स्थान विश्व में जनसंख्या दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। क्या है? दूसरा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा फ्रेंड, भारत का जो स्थान है वह दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में प्रवासी जो नए स्थानों पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो अप्रवासी कहलाते हैं। प्रवासी जो नए स्थानों पर जाते हैं उसे अप्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रवासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करते हैं। तो विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करते हैं? तो यह 60% हो जाएगा। कितना? 60% भाग है जो कि एशिया में निवास करते हैं जनसंख्या का। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। तो राउरकेला इस्पात जो संयंत्र है वह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड? उड़ीसा में स्थित है। राउरकेला जो देख सकते हैं इस्पात संयंत्र है जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है देख सकते हैं टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो टाटा लौह इस्पात संयंत्र है जो कि जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड? यह जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टाटा लौह इस्पात है जो कि जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख सकते हैं भारत का मैनचेस्टर है। तो भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा अहमदाबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है। तो ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र है जो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड? ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो यह 1991 में किया गया था। नई औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था? 1991 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। तो देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र का जो विकास का कार्यक्रम था किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था? तो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो देख सकते हैं नीति आयोग की स्थापना 2014 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? नीति आयोग की स्थापना 2014 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है। तो पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग है जो अलवणीय है? तो यह 1% भाग हो जाएगा। कितना? 1% भाग है जो कि अलवणीय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज हो जाएगा लोहा, मैग्नीज और तांबा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? इनमें से सभी हैं।
जो कि धात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हैं जो कि धात्विक खनिज है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायलाडीला प्रसिद्ध है। वायलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड? तो वायलाडीला है जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वायलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो जाएगा, वायलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुरु महसानी खान किस खनिज से संबंधित है। गुरु मह देख सकते हैं महिसानी, गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है। तो गुरु महिसानी खान है जो कि लौह अयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड? लौह अयस्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो वक्साइट का उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा उड़ीसा। वक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? उड़ीसा हो जाएगा वक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य। ऑप्शन नंबर यहां पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा सौ ऊर्जा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? सौ ऊर्जा है जो कि नवीकरणीय स्रोत है। देख सकते हैं सौर ऊर्जा हो जाएगा फ्रेंड, सौर ऊर्जा है जो कि नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहां पे देख सकते हैं कि कल्पक्कम किस राज्य में है। कल्पक्कम किस राज्य में है? तो कल्पक्कम है फ्रेंड तमिलनाडु में स्थित है। कहां है कल्पक्कम? कहां स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है कल्पक्कम। 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहां पे देखेंगे, देख सकते हैं कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। तो कोलकाता पतन है जो कि हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी पर, किस नदी पर? हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता पतन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता पतन हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है। निम्नलिखित पतनों में से कौन है जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो यह हो जाएगा कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला है जो कि यहां पे देख सकते हैं कांडला है जो कि भारत के पूर्वी तट पर है। ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा, कांडला है जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। सबसे अधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी हो जाएगा। सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है फ्रेंड? तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी हो जाएगा। यमुना नदी है जो कि सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो कि अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो यह वायु प्रदूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण हो जाएगा। अम्ल वर्षा का एक कारण है वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नर्मिम गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। तो नर्मिम गंगे कार्यक्रम है जो कि गंगा नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? गंगा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हीरा कुंड परियोजना है। तो हीरा कुंड परियोजना कहाँ है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। हीरा कुंड परियोजना कहाँ है फ्रेंड? तो हीरा कुंड परियोजना उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। दक्षिण भारत की नदी हो जाएगा कृष्णा। कौन सा नदी है फ्रेंड? दक्षिण भारत का कृष्णा नदी हो जाएगा। दक्षिण भारत का नदी हो जाएगा कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि नागपुर योजना संबंधित है। तो नागपुर योजना सड़क परिवहन से संबंधित है। किससे? सड़क परिवहन से संबंधित है नागपुर योजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या एक का विस्तार है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या एक का विस्तार हो जाएगा इलाहाबाद से हल देख सकते हैं हली दया इलाहाबाद से
हलीदया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक का विस्तार इलाहाबाद से हो जाएगा हलीदया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है, हजीरा विजयनगर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है, तो हजीरा अवस्थित हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहां अवस्थित है फ्रेंड, तो यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। देख सकते हैं कोकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है, कोकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है, तो कोकण रेलवे का जो विस्तार है वह गुजरात में नहीं है। कहां है फ्रेंड, गुजरात में कोकण रेलवे का विस्तार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुआ था। कब हुआ था, भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुआ था। देख सकते हैं 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनसेट का संबंध है, देख सकते हैं इनसेट का संबंध किससे है, तो इनसेट का जो संबंध है वह, तो देख सकते हैं इनसेट का जो संबंध है वह सर्वेक्षण से संबंधित है, किससे, सर्वेक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। इनसेट का संबंध सर्वेक्षण से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पतन है, तो भारत का सबसे बड़ा पतन मुंबई हो जाएगा, कौन हो जाएगा फ्रेंड, भारत का सबसे बड़ा पतन मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे ये हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा पतन मुंबई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पंपास कहां है, देख सकते हैं पंपास कहां है फ्रेंड, तो दक्षिण अमेरिका में है। पंपास कहां है, पंपास दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पंपास दक्षिण अमेरिका में है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है देख सकते हैं कि बामिंघम, देख सकते हैं बामिंघम कहां है, तो बामिंघम है जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है। बामिंघम कहां है, तो यह ग्रेट ब्रिटेन में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कच्चा लौह में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो कच्चा लोहा में जो मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है, तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है, तो परिवहन हो जाएगा, संचार हो जाएगा और सेवाएं हो जाएगा, इनमें से सभी, देख सकते हैं इनमें से सभी है फिर जो तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाल कलर का संबंध है, लाल कलर का संबंध है, तो लाल कलर का संबंध हो जाएगा प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। लाल कलर किससे संबंधित है, तो यह प्राथमिक क्रिया से संबंधित है, 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल कलर प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, तो विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी, देख सकते हैं 1825 में, कब चला था, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी 1825 में चली थी, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का संघात्मक रेल तंत्र पाया जाता है, विश्व का संघात्मक रेल तंत्र पाया जाता है, तो यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, कहां, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, सर्वा देख सकते हैं संघात्मक रेल तंत्र है जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम नगरीय बस्ती कौन है, तो विश्व का प्रथम नगरीय बस्ती लंदन हो जाएगा, कौन हो जाएगा फ्रेंड, विश्व का प्रथम नगरीय बस्ती लंदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिग इंच संबंधित है, तो बिग इंच किससे संबंधित है, तो बिग इंच है जो कि पाइपलाइन से संबंधित है, किससे, बिग इंच पाइपलाइन से संबंधित है, बिग इंच है जो कि पाइपलाइन से संबंधित है, 65 का ऑप्शन नंबर
यहां पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य, तो भारत का सबसे कम साक्षर राज्य बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का सबसे कम साक्षर राज्य बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? किसका जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो सिक्किम हो जाएगा। कौन हो जाएगा फ्रेंड? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की जनसंख्या है फ्रेंड जो सबसे घनत्व में कम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक दर वृद्धि 1.64% है। कितना? 1.64% है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1.64% वार्षिक वृद्धि दर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, तो पुरुष प्रवास का कारण क्या है? शिक्षा हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा और व्यवसाय, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुष प्रवाय का जो कारण है, देख सकते हैं यहां पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता 74.04% है। कितना? 74.04। तो देख सकते हैं यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 74.04% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है? निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है? तो यह वुशमैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुशमैन। वुशमैन है जो कि देख सकते हैं कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादन है? निम्न में से कौन है जो कि एकल कृषि का उत्पादन है? ए रबर, बी केला, सी चाय और डी इनमें से सभी। देख सकते हैं इनमें से सभी हैं जो कि एकल कृषि का उत्पादन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है? तो यह हो जाएगा तुला। देख सकते हैं तुला है फ्रेंड जो कि रूस में अवस्थित है। निम्न में से कौन है जो कि रूस में अवस्थित है? तुला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एसेन अवस्थित है, एसेन कहां अवस्थित है? तो एसेन जर्मनी में अवस्थित है। एसेन कहां अवस्थित है? तो एसेन जर्मनी में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन पेशागत कलर का रंग नहीं है? कौन सा है जो कि पेशागत कलर का रंग नहीं है? तो यह हो जाएगा गुलाबी। क्या हो जाएगा? गुलाबी है फ्रेंड जो कि पेशागत कलर का रंग नहीं है, पांच का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन पेशावर सेवाओं से संबंधित है? निम्न में से कौन है जो कि पेशावर सेवाओं से संबंधित है? ए वकील, नाई, धोबी, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हैं जो कि पेशावर सेवाओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस मार्ग का उद्योग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना और यूरोप के बीच के व्यापार के लिए उपयोग होता है? तो यह होता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। कौन हो जाएगा फ्रेंड? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप का। किसका? प्राथमिक क्रियाकलाप का यह उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नागासाकी उदाहरण है, तो देख सकते हैं नागासाकी उदाहरण है, इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड। जापान, जापान में नागासाकी है, देख सकते हैं ऑप्शन नहीं दिया हुआ है,
इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गैरीसन नगर का संबंध है, गैरीसन नगर का संबंध किससे है, तो यह छावनी से है। गैरीसन नगर का संबंध किससे है, तो गैरीसन नगर का संबंध छावनी से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग को क्या कहते हैं, तो सेंटो लाइन टर्नल। क्या कहते हैं फ्रेंड, सेंटो लाइन टर्नल कहते हैं, सेंटो लाइन टर्नल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, तो सबसे अधिक जो प्रदूषण मिलता है वह महानगर में होता है, कहां होता है फ्रेंड, सबसे अधिक प्रदूषण महानगर में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है, कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है, तो कुलगाड़ी है फ्रेंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, कहां कुलगाड़ी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रैखीय नगर का विकास होता है, तो रैखीय नगर का विकास होता है नदी के सहारे, कहां होता है फ्रेंड, रैखीय नगर का विकास होता है नदी का सहारे, किसके सहारे होता है, नदी के सहारे होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है, निम्न में से कौन है जो कि भूमि निम्नीकरण का कारण है, ए भू साक्षरता और मृदा अपरदान, जल जमाव, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हैं जो भूमि निम्नीकरण का कारण है, ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पंचपट माली खान किस खनिज से संबंधित है, पंचपट माली खान किस खनिज से संबंधित है, तो यह बॉक्साइट से है, किससे है फ्रेंड, पंचपट माली खान है जो कि बॉक्साइट खनिज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देख सकते हैं कोरोना बीमारी में सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो कोरोना बीमारी में जो सर्वाधिक प्रभावित होती है वह श्वसन तंत्र प्रभावित होता था, कौन सा श्वसन तंत्र प्रभावित होता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है डेसीबेल मापन इकाई है, डेसीबेल किसका मापक इकाई है, तो डेसीबेल से हम लोग ध्वनि को मापते हैं, किसको नापते हैं, डेसीबेल से हम लोग ध्वनि को मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डेसीबेल से ध्वनि को मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कौन कहलाता है फ्रेंड, तो यह नहावा सेवा है जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है, नहावा सेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रादीप पतन किस नदी का डेल्टा पर स्थित है, तो प्रादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, तो प्रादीप पतन है फ्रेंड जो कि महानदी के डेल्टा पर स्थित है, किस नदी के, महानदी के डेल्टा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मुक्त अवकाश नीति लागू की गई थी, मुक्त अवकाश नीति कब लागू की गई थी, तो यह 1992 में किया गया था, मुक्त अवकाश नीति 1992 में किया गया था, ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न पुस्तकों में कौन, देख सकते हैं हम्बोल्ट द्वारा लिखित है, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया है, तो यह कास, देख सकते हैं कासमास, यहां पे हो जाएगा फ्रेंड कासमास है जो कि हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो समुद्र विज्ञान हो जाएगा, समुद्र विज्ञान है जो कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, समुद्र विज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मसाई जनजाति संबंधित है, तो मसाई जनजाति किससे संबंधित है, तो इनमें से कोई नहीं से, इनमें से
कोई नहीं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मसाई जनजाति इनमें से कोई नहीं से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आयो लिंग पिरामिड का संबंध है, आयो लिंग पिरामिड का संबंध किससे है, तो पुरुष एवं महिलाओं जनसंख्या से, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से संबंधित है। किससे? पुरुष एवं महिला जनसंख्या से आयो लिंग पिरामिड संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है, तो यह 382 हो जाएगा, 382 वर्ग किमी, 382 वर्ग किमी हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, तो मानव विकास के सूचकांक से संबंधित हो जाएगा महबूब उल हक। कौन हो जाएगा फ्रेंड? महबूब उल हक है, जो कि मानव विकास के सूचकांक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। देख सकते हैं प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है, तो यह भूटान को कहा गया है। किसको कहा गया फ्रेंड? भूटान को कहा गया है। देख सकते हैं भूटान को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख सकते हैं कि विजाग का संबंध है, तो विजाग का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौ इस्पात उद्योग से, लौ इस्पात उद्योग से संबंधित है विजाग का संबंध। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ए पल्लवी बस्तियां, गुच्छित बस्तियां और प्रवीकीर्ण बस्तियां, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि बस्तियां बुंदेलखंड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर, तो उत्तर भारत में अवस्थित नगर हो जाएगा आगरा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? उत्तर भारत में जो अवस्थित नगर है वह आगरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो गाजियाबाद एक उदाहरण हो जाएगा आधुनिक नगर का। किसका? आधुनिक नगर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। गाजियाबाद का उदाहरण आधुनिक नगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जवार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, देख सकते हैं जवार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो जवार उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा फ्रेंड? जवार उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था, तो हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था, तो यह था गेहूं का। किसका? गेहूं का। हरित क्रांति में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन था? गेहूं का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में चाय की खेती कहां से आरंभ हुई, तो यह देख सकते हैं फ्रेंड इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कहूं से भी आरंभ नहीं हुआ था भारत में चाय की खेती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है, सलाया मथुरा पाइपलाइन में सलाया अवस्थित है, तो यह गुजरात में अवस्थित है। कहां? गुजरात में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सलाया अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देख सकते हैं बल्लाम काली नौका दौड़ संबंधित है, तो बल्लाम काली जो नौका दौड़ होता है वह केरल में होता है। कहां होता है फ्रेंड? केरल में होता है बल्लाम, देख सकते हैं बल्लाम काली नौका दौड़ केरल में होता है, ऑप्शन नंबर यहां पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा फ्रेंड? वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जबलपुर हो जाएगा। कहां हो जाएगा?
जबलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जबलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित हैं, तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र किससे संबंधित है, तो यह गद्दी से संबंधित है, किससे, गद्दी से संबंधित है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र गद्दी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अल्लापूझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, अल्लापूझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो अल्लापूझा औद्योगिक केंद्र है जो कि केरल में स्थित है, कहां स्थित है फ्रेंड, अल्लापूझा औद्योगिक केंद्र है जो कि केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पायकारा जल विद्युत परियोजना है, तो पायकारा जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है, तो पायकारा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है, कहां स्थित है, पायकारा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहां है, तो हुबली सूती वस्त्र केंद्र है जो कि कर्नाटक में स्थित है, हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहां स्थित है फ्रेंड, तो यह कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भद्रावती का संबंध है, तो भद्रावती का संबंध हो जाएगा लौह इस्पात से, किससे, लौह इस्पात से संबंधित है, भद्रावती का संबंध किससे है फ्रेंड, लौह इस्पात से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त हुआ, किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त हुआ था, तो यह कोचीन पतन को, किसको, कोचीन पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख सकते हैं किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त हुआ था, कोचीन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है, निम्न में से कौन सा नगर है जो कि गुजरात में अवस्थित नहीं है, तो यह हो जाएगा नासिक, क्या हो जाएगा फ्रेंड, नासिक है जो कि गुजरात में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है देख सकते हैं कि भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, तो भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या हो जाएगा वितरण, देख सकते हैं उपलब्धता, संरक्षण, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी समस्या है भारत में जल संसाधन से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है, निम्न में से कौन है जो कि लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो यह हो जाएगा वैला डीला, क्या हो जाएगा, वैला डीला है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रेडियो संक्रिय खनिज है, निम्न में से कौन है जो कि रेडियो संक्रिय खनिज है, ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी जिंकोरियम, देख सकते हैं जिंकोरियम हो जाएगा इनमें से, यहां पे सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हैं जो कि रेडियो संक्रिय खनिज हैं, यूरेनियम, थोरियम, जिंकोरियम, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदरी प्रसिद्ध है, तो सिकंदरी प्रसिद्ध किसके लिए है, तो सिकंदरी प्रसिद्ध है उर्वरक कारखाना के लिए, सिकंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड, तो सिकंदरी प्रसिद्ध है उर्वरक कारखाना के लिए, 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अरेम्बिका संबंधित है, तो अरेम्बिका किससे संबंधित है, तो यह कॉफी से संबंधित है, अरेम्बिका किससे संबंधित है फ्रेंड, तो अरेम्बिका कॉफी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जूट उत्पादन राज्य है, निम्न में से कौन है जो कि जूट उत्पादन राज्य है, तो देख सकते हैं जूट उत्पादन राज्य असम हो जाएगा, असम है फ्रेंड जो कि जूट उत्पादन राज्य है, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मेरठ महासागरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? मेरठ महासागरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है फ्रेंड? मेरठ महासागरीय शहर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नीरू मीरू संबंधित है। नीरू और मीरू किससे संबंधित है? तो यह जल सांभर प्रबंधन से संबंधित है। नीरू मीरू है जो कि जल सांभर प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लूनी नदी का प्रवाह किस दिशा में होती है? देख सकते हैं लूनी नदी उत्तरी दिशा में प्रवाहित होती है फ्रेंड, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। लूनी नदी है जो कि उत्तरी दिशा में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रानीगंज प्रसिद्ध है। तो रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रानीगंज है जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत तेल संशोधक केंद्र किस राज्य में स्थित है? पानीपत तेल संशोधक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। पानीपत तेल संशोधक जो राज्य है कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच मार्ग है? तो देख सकते हैं किस देश में सेंट जॉन से लेकर वैंकूवर के बीच का जो मार्ग है कहां है फ्रेंड? तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। कहां है? दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर यहां पे ये हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एयर इंडिया संबंधित है। तो एयर इंडिया किससे संबंधित है फ्रेंड? तो एयर इंडिया है जो कि वायु मार्ग से संबंधित है। किससे? वायु मार्ग से संबंधित है एयर इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय है जो कि बेल्जियम में है। कहां है? यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहां है फ्रेंड? बेल्जियम में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेल्जियम में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो यह हो जाएगा दक्षेस का मुख्यालय। किसका? दक्षेस का मुख्यालय है जो कि काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहां पे देखेंगे, कारवार पतन है। कारवार पतन कहां है फ्रेंड? तो कारवार पतन हो जाएगा कर्नाटक में। कारवार पतन कहां है? तो कारवार पतन कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहां पे देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि ओपेक संबंधित है। ओपेक किससे संबंधित है? तो ओपेक है जो कि पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है। किससे? ओपेक है जो कि पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं माराकाइबो पतन संबंधित है। माराकाइबो पतन किससे संबंधित है फ्रेंड? तो माराकाइबो पतन है जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो पर्वतों पर जो बस्तियां पाई जाती है फ्रेंड, वह सीढ़ी नुमा बस्तियां पाई जाती है। किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? सीढ़ी नुमा बस्तियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देख सकते हैं सीटो टाउन का संबंध है। सेटी टाउन, देख सकते हैं सेटी टाउन का जो संबंध है, तो सेटी टाउन का संबंध हो जाएगा जुड़वा नगर से। किससे? जुड़वा नगर से संबंधित है। सेटी टाउन का संबंध किससे है फ्रेंड? जुड़वा नगर से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, धनबाद प्रसिद्ध है। तो धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देख सकते हैं फ्रेंड, धनबाद है जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? धनबाद फ्रेंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है।
तो मिलियन सिटी की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। मिलियन सिटी की जनसंख्या क्या होती है फ्रेंड, 10 लाख से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि फैबो संबंधित है, तो फैबो संबंधित इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, फैबो इनमें से कोई नहीं से संबंधित है। देख सकते हैं सिक्किम की राजधानी पूछ रहा है फ्रेंड, तो गंगटोक होगा। ये देख सकते हैं शिलोंग, पटना और इम्फाल दिया हुआ है, तो सिक्किम की राजधानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा फ्रेंड, सिक्किम के राजधानी गंगटोक होता है। ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए देख सकते हैं धरावली मालिन बस्ती कहाँ है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। धरावली जो धरावी जो मलिन मलिन बस्ती कहाँ है, तो यह मुंबई में है। धरावी मालिन बस्ती है जो कि मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपनाम नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा फ्रेंड, मानव भूगोल का उपनाम नहीं है, मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निश्चयवाद की जो संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो देख सकते हैं फ्रेंड निश्चयवाद की जो संकल्पना का जो प्रतिपादन किया था वह किया था फ्रेंड, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर ने। किसने, ग्रिफिथ टेलर ने किया था, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे किसने कहा मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंध शोषित अध्ययन है, तो यह कहा था रेटजेल ने कहा था। किसने कहा था फ्रेंड, रेटजेल ने कहा था कि देख सकते हैं रेटजेल ने कहा था कि धरातल के बीच का जो संबंध संश्लेषित अध्ययन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है देख सकते हैं कि व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है, व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है, तो यह हो जाएगा सामाजिक भूगोल का। किसका, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है, कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है, तो यह आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। किसका, आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विराल जनसंख्या वाला देश है, विराल जनसंख्या वाला देश हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा डी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जन स्थानांतरण का प्रतीकस कारक नहीं है, तो यह हो जाएगा शैक्षणिक सुविधा। क्या हो जाएगा, शैक्षणिक सुविधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक हो जाएगा, देख सकते हैं सबसे अधिक एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, एशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है, तो विश्व में सबसे कम है देख सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात का। किसका, संयुक्त अरब अमीरात का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनसंख्या में कौन जनसंख्या का कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो यह करती है 15 से 29 वर्ष करती है। कौन करती है, 15 से 29 वर्ष करती है, ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है, तो मानव विकास सूचकांक का मापक हो जाएगा स्वास्थ्य हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा संसाधनों तक पहुंच, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हैं जो कि मानव विकास का सूचकांक का मापक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, तो यह पाकिस्तानी के थे। कहां के थे, यह पाकिस्तान के थे, डॉक्टर महबूब उल हक हैं
जो कि पाकिस्तानी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किनकी कोटि उच्च है? तो मानव विकास सूचकांक में विश्व में निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्च है? तो यह है नॉर्वे की। किसकी? नॉर्वे की कोटि है जो सबसे ऊंच है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे कीर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो कीर्तन दहन कृषि रोपण कृषि को कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड? रोपण कृषि को कीर्तन दहन कृषि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है डेनमार्क में। कहां? डेनमार्क में सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि कोको किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो कोको किस प्रकार की कृषि का उपज हो जाएगा फ्रेंड? तो यह हो जाएगा रोपण कृषि का। किसका? कोको है जो कि रोपण कृषि का यहाँ पे उपज है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोको रोपण कृषि का उपज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? रोपण फसल कौन हो जाएगा फ्रेंड? कपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपास है जो कि रोपण फसल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप हो जाएगा वस्त्र निर्माण। क्या हो जाएगा? वस्त्र निर्माण है जो कि द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, देख सकते हैं फ्रेंड, यह हो जाएगा नमक हो जाएगा। नमक है जो कि कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? निम्नलिखित में से कौन है जो निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो यह हो जाएगा पूंजीवाद। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? तो वन आधारित उद्योग है, देख सकते हैं, लाख उद्योग। क्या हो जाएगा? लाख उद्योग है जो कि वन आधारित उद्योग है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ क्रिया आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षण। क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय शिक्षण हो जाएगा जो कि चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचम क्रियाकलाप है? पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा ब्रह्मा स्रोतन, देख सकते हैं ब्रह्मा स्रोतन है जो कि पंचम क्रियाकलाप का उदाहरण हो जाएगा, ब्रह्मा स्रोतन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन है? लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल परिवहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बृहदत ट्रंक मार्ग संबंधित है, तो बृहदत ट्रंक मार्ग किससे संबंधित हो जाएगा? तो उत्तर अंटार्कटिका के समुद्री मार्ग से संबंधित है। किससे? उत्तर अंटार्कटिका के समुद्री मार्ग से बृहदत ट्रंक मार्ग संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख सकते हैं बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, तो बिग इंच पाइपलाइन जो प्रवाहित करता है पेट्रोलियम को प्रवाहित करता है। किसको प्रवाहित करता है फ्रेंड? पेट्रोलियम को प्रवाहित करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड? जेनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत एक सदस्य है तो साप्टा का सदस्य है, भारत एक साप्टा का सदस्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत सदस्य है, भारत एक सदस्य किसका है, साप्टा का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ, देख सकते हैं संघ ईयू का मुख्यालय कहां है, तो यूरोपीय संघ ईयू का मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स हो जाएगा, कहां हो जाएगा, ब्रुसेल्स में संबंधित है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो संबंधित है ब्रुसेल्स में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है, लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है, तो वर्जिनिक पतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्जिनिक पतन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वर्जिनिक पतन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन राष्ट्रीय अधिवास से संबंधित है, तो राष्ट्रीय अधिवास से संबंधित हो जाएगा। देख सकते हैं कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन नगरीय अधिवासों से संबंधित है, तो यह हो जाएगा आर्थिक, देख सकते हैं जो तृतीयक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तृतीयक अधिवास है जो कि नगरीय अधिवासों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, तो पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, तो यह सीढ़ीनुमा, देख सकते हैं किस पाया जाता है, सीढ़ीनुमा अधिवास पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है, नियोजित नगर कौन है, लाहौर हो जाएगा फ्रेंड, लाहौर है जो कि नियोजित नगर है, लाहौर है जो कि नियोजित नगर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपरलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपरलेखित प्राचीन नगरीय बस्ती हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सिंधु घाटी, क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 34 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है, तो परिवहन नगर हो जाएगा आदिस अबाबा, देख सकते हैं आदिस अबाबा है जो कि परिवहन नगर है, आदिस अबाबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनसंख्या, देख सकते हैं जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या अधिक है फ्रेंड, तो यह हो जाएगा बिहार की, किसकी, बिहार की सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीनी तिब्बती, किसकी, चीनी तिब्बती की है जो कि यहां पे जनसंख्या सबसे कम है, चीनी तिब्बती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, 382 व्यक्ति वर्ग किमी हो जाएगा, 382 व्यक्ति वर्ग किमी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा हो जाएगा, देख सकते हैं ग्रामीण से नगरीय की ओर, ग्रामीण से नगरीय की ओर होता है, ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्न में से कौन सी कोटि है, तो भारत के निम्न में से कौन सी कोटि है, तो यह हो जाएगा 131वां, क्या हो जाएगा, 131वां कोटि है, ऑप्शन नंबर यहां पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से
किनकी कोटि उच्चतम है, किनकी कोटि उच्चतम है, तो यह केरल की, किसकी, केरल की जो यहाँ पे कोटि है वह सबसे उच्चतम है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन देख सकते हैं गैरीसन नगर है, तो यह हो जाएगा गैरीसन नगर है। तो देख सकते हैं गैरीसन नगर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधमपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उधमपुर है, ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है, तो रानीगंज हो जाएगा, खनन नगर कौन है फ्रेंड, तो रानीगंज हो जाएगा जो कि खनन नगर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति देख सकते हैं खाद्य उत्पादन पात्र से संबंधित है, खाद्य उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्य उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो अनियमित मानसून, विखंडित जोत और निम्न उत्पादकता, इनमें से सभी हैं जो कि भारतीय कृषि की समस्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है, रेशेदार फसल नहीं है, तो यह हो जाएगा चाय, देख सकते हैं फ्रेंड चाय है जो कि रेशेदार फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है, शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है, तो गन्ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गन्ना है फ्रेंड जो कि शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है, तो निम्नलिखित में से कौन है जो खाद्य फसल है, तो गेहूं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेहूं है जो कि खाद्य फसल है, ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा, गेहूं है जो कि खाद्य फसल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कॉफी उत्पादक है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन है जो कि कॉफी उत्पादक है, तो यह हो जाएगा कर्नाटक, क्या हो जाएगा फ्रेंड, कर्नाटक है जो कि कॉफी उत्पादक राज्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन है जो भू उपयोग वर्ग संवर्ग नहीं है, तो यह हो जाएगा सीमांत भूमि, क्या हो जाएगा फ्रेंड, सीमांत भूमि है जो कि भू उपयोग संवर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा देख सकते हैं फ्रेंड यहां पे हो जाएगा NH 44, NH 44 है फ्रेंड जो भारत के सबसे राष्ट्रीय महामार्ग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर जल है, तो जल जैव संसाधन हो जाएगा, जल जैव संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल है जो कि जैव संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं, तो यह हो जाएगा नर्मदा, कौन है वो जाएगा फ्रेंड, नर्मदा है, नर्मदा नदी है जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, तो यह वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से संबंधित है, वायु और जल संरक्षण दोनों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो सी हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी हैं जो कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है देख सकते हैं बहुत ही VVIP प्रश्न है फ्रेंड, हीरा कुंड परियोजना अवस्थित है, तो हीरा कुंड परियोजना उड़ीसा में अवस्थित है, कहाँ, हीरा कुंड परियोजना है जो कि उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भंडारा मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, भंडारा मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है फ्रेंड,
तो यह उड़ीसा में स्थित है, भंडारा मैग्नी क्षेत्र है जो कि उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि भारत के प्रथम नवकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, तो भारत के प्रथम जो नवकीय ऊर्जा स्थापित की गई थी यह तारापुर में स्थापित किया गया था। कहां स्थापित किया गया था फ्रेंड? तारापुर में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकारपार नवकीय ऊर्जा केंद्र स्थापित हैं? काकारपार जो नवकीय ऊर्जा है वह किस राज्य में अवस्थित है? तो वह देख सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं कि वह गुजरात में स्थित है। कहां? गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। काकारपार जो नवकीय ऊर्जा है वह गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर लौ इस्पात केंद्र अवस्थित है, तो विजयनगर लौ इस्पात केंद्र कर्नाटक में स्थित है। कहां स्थित है फ्रेंड? विजयनगर लौ इस्पात केंद्र कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, प्रमुख तेल क्षेत्र कहां स्थित है? तो यह असम में स्थित है, प्रमुख तेल क्षेत्र असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय है? उत्तर पूर्वी रेल मंडल के मुख्यालय हो जाएगा फ्रेंड गोरखपुर हो जाएगा। कहां हो जाएगा? उत्तर पूर्वी रेल मंडल के मुख्यालय गोरखपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड? नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो यह 1911 में शुरू हुआ था, भारत में वायु परिवहन की सेवा का शुरुआत 1911 में हुआ था फ्रेंड, ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्थल पोतशय है? तो स्थल पोतशय हो जाएगा जो कि देख सकते हैं मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं कंदला पतन अवस्थित है, तो कंदला पतन कहां स्थित है फ्रेंड? तो कंदला पतन गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। देख सकते हैं कंदला पतन कहां स्थित है, तो देख सकते हैं फ्रेंड कंदला पतन गुजरात में स्थित है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड? दो देशों के मध्य व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या होगा? तो मोटर और वाहन हो जाएगा। देख सकते हैं मोटर और वाहन है जो कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल पे नया है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि पल पल की अपडेट यहां से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।